कबीर आश्रम कड़खड़ी बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी, कबीर आश्रम साले बंडा हैदराबाद से पधारे श्रद्धेय श्री बोधप्री साहेब जी, मूद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक पंक्ति कहूंगा, उस पर थोड़ा सा निवेदन। सदगुरु कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों जागते रहो, नींद मत लो, सो मत। आप कह सकते हैं कि यह बात कबीर साहब केवल संतों के लिए कह रहे हैं, हम गृहस्थों के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में मानव मात्र संत हैं, क्योंकि मूल रूप में मानव मात्र में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो बहुत बाहरी है, स्थूल है। चाहे किसी देश का नागरिक हो, किसी मत पंथ संप्रदाय का मानने वाला हो, किसी जाति वर्ण मजहब का हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका शरीर उन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, और सबके भीतर एक समान चेतन तत्व बैठा हुआ है। अंतर कहाँ है? मिट्टी पानी आग हवा में अंतर है नहीं, चेतन जीव में भी अंतर नहीं है, क्योंकि जो सबके भीतर जीव बैठा हुआ है, चेतन बैठा हुआ है, जो राम या ब्रह्म बैठा है, वो शांत स्वरूप है, मूल रूप में शांत है। अपनी गलत आदतों के कारण, अज्ञान अविद्या के कारण वह अशांत बना हुआ है। मूलतः फर्क नहीं है, इसलिए सद्गुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र संत हैं। आप सब संत हैं। आवश्यकता है अपने उस संतत्व को पहचानने की, और पहचान कर उसमें जीने की। उसी पहचानने के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जागो। संतों जागत नींद न कीजिए, नींद मत करो, जागो। जागने का अर्थ क्या है और सोने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ है सावधान रहना, जो करना पूर्ण होश हवास में करना, विवेक पूर्वक करना। सोने का अर्थ है असावधान हो जाना, गाफिल हो जाना, असावधानी पूर्वक बात व्यवहार करना। छोटी सी छोटी क्रिया हो, जाग करके करेंगे, होश पूर्वक करेंगे, तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। हम जागते कहाँ हैं?
जागने वाला कोई कोई बिरला होता है। बाकी हम सो रहे हैं अज्ञान की नींद में, मोह की नींद में, अविवेक की नींद में, और सोए हुए व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जागे, होश में जिए। यदि हम होश में जिएंगे तो क्या हमारी जबान से गलत बात निकलेगी? कटु, अश्लील, निंदा, चुगली, गाली, झूठ, ये शब्द निकलेंगे? होश में जीने वाला व्यक्ति किसी के लिए अपशब्द कहेगा, किसी को गाली देगा? कोई भी आदमी, बड़ा सा बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जिस समय गाली दे रहा है वो सोया हुआ है, बेहोशी में दे रहा है, होश में नहीं दे रहा है। खाने बैठो, होश पूर्वक खाओगे तो कभी ज्यादा नहीं खाओगे, गलत नहीं खाओगे, समय वृद्ध नहीं खाओगे, उतना ही खाओगे जो शरीर के लिए आवश्यक है, सुपाच्य और संतुलित है। होश पूर्वक सोचेंगे तो कोई गलत बात सोचेंगे? ईर्ष्या द्वेष की बात सोचेंगे? सुबह मैंने कहा था, हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, और हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सही सोचते हैं? हम भगत हैं, सत्संगी हैं, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, अब पता नहीं क्या क्या हैं। क्या कभी अपने मन पर ध्यान दिया है, निगरानी किया है? यदि मन पर निगरानी करते तो जीवन जैसा आज है वैसा न होता, कुछ और होता। एक प्रयोग करके देखिए। हमारे गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, बाहर से तो अपने को बड़ा ज्ञानी, समझदार, विद्वान, भगत, तो पता नहीं क्या क्या मानते हो, भीतर क्या है? एक प्रयोग करिए, अकेले बैठ जाएं, कहीं भी हो, अपने घर में, अपने कमरे में, फाटक बंद कर अकेले बैठ जाएं, छत पर अकेले बैठ जाएं, कहीं चले जाएं, मात्र आधा घंटा, और आधे घंटे में जो जो ख्यालात, जो जो विचार मन में उड़ते जाएं, ईमानदारी पूर्वक जो का त्यों लिखते चले जाएं, कोई दुरा छिपाने, कोई काट छाटने, जो सोचे मन लिखते चले जाओ। आधा घंटा में जो विचार मन में आए, मन ने जो बात सोचा उसे आपने लिख लिया है, दूसरे को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। कितने धोखे में हम जी रहे हैं। हमारा मन हर समय सोचता है, किसी से पूछो आप जो सोचते हैं क्या सही सोचते हैं, किसी से पूछ लो, कोई नहीं कहेगा कि मैं गलत सोचता हूं। हर आदमी यही कहेगा कि मैं सही सोचता हूं। कसौटी क्या है, पहचान क्या है सोचने की? एक कसौटी कसना होगा हम लोगों को। ये जो ऊपर बैठे हैं हम लोग सफेद कपड़ा में, आप लोग नीचे बैठे हो, सब बराबर हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। एक कसौटी में कसें, मान लो
ऐसा कोई कैमरा आ जाए, देखिए हमारे सामने कैमरा लेकर खड़े हैं, जो हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करते चले जा रहे हैं। मान लो एक ऐसा कैमरा आ जाए जिस कैमरे से हम जो सोच रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए या उसका फोटो खींच लिया जाए। जो हमने सोचा वो रिकॉर्ड कर लिया गया या उसको फोटो खींच लिया गया और फोटो को धो करके साफ करके सबके बीच में दिखाया गया और फोटो को उस फोटो को देख करके सिर शर्म से झुक जाए तो समझना कि मैं क्या सोच रहा था। और फोटो को देख करके सबके बीच में छाती गर्व से चौड़ी हो जाए, सिर उठा हो जाए, सिर ऊपर उड़ जाए तो समझना हाँ मैं सही सोच रहा था। ये कसौटी घटना होगा, ये होश में जीने का लक्षण है और यही सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इस भक्ति पूजा के समान बाहर कोई भक्ति नहीं है। कहाँ हम होश में जी रहे हैं? होश में जीने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया में दुख है ही नहीं। शरीर को कष्ट होगा, परेशानी होगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, कीड़े काटेंगे, मच्छर काटेंगे, रोग आ जाएगा, भूख प्यास लगेगी, लेकिन मन में दुख नहीं होगा, मन निर्भय निश्चिंत। ये होश में जीने का लक्षण। होश में जीने वाले व्यक्ति के लिए हर जगह आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। उसके लिए हर समय सतयुग ही सतयुग है, उसके लिए कहीं कलयुग है ही नहीं। और याद रखिए, जैसा आप कलयुग सतयुग के बारे में सुनते हैं या शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऐसा ना कलयुग हुआ है ना ऐसा सतयुग हुआ है। चारों वेदों में ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का नाम ही नहीं है, छहों शास्त्रों में नाम नहीं है और ग्यारहों उपनिषदों में भी चारों युगों का कहीं नाम ही नहीं है। ये तो बहुत बाद में कल्पना कर ली गई है, लेकिन चारों युगों को हम रोज अपने जीवन में जीते हैं। कलयुग को भी जीते हैं और सतयुग को भी जीते हैं। चारों युगों का नाम पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में आया है। वहां इंद्र, हरिश्चंद्र और रोहित, इन तीनों की कथा है। उसी कथा के बीच में इंद्र ने रोहित कुमार से कहा है, कली शयानो भवत संजिहानस्त द्वापर उत्तिष्ठमत त्रेता भवत कृतम संपदते चरण। ये पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में आया और वहीं से बाद में मनुस्मृति में ये श्लोक आया। इसका अर्थ होता है कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जागा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। भावार्थ क्या है? जब आदमी, कोई भी आदमी हो, जब आदमी आलस्य में, प्रमाद में, मूर्ता में, निद्रा में गाफिल हो जाता है तो वो कलयुग में जी रहा है। उसके लिए हर समय कलयुग ही कलयुग है। जिस समय मन उत्तेजना से भरा है, प्रमाद से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है, अशांत है, उस समय आदमी कलयुग में जी रहा है। और जब आलस्य का, मूर्ता का, प्रमाद का त्याग कर दिया, जाग गया, मन की जो उत्तेजना है, मन के जो विकार हैं उसको छोड़ दिया, तब वह द्वापर में चला गया। जागा है तो द्वापर में चला गया और जब नहा धोकर तैयार हो गया, सांस संवार करके उठकर खड़ा भी हो गया, तब वह त्रेता में चला गया। और जब किसी लोक मंगल के काम में लग गया, किसी सेवा के काम में लग गया तो सतयुग में चला गया। जब ज्ञान में, प्रसन्नता में, विवेक में जी रहा है,
मन आनंद से भरा हुआ है तो सतयुग में जी रहा है। ये पहली बार इतने ब्राह्मण में कहा गया है। और चारों बातें हमारे जीवन में रोज घटित होती हैं। मरने के बाद या इतने दिन के बाद सतयुग आएगा, इस धोखा में ना जिए। सतयुग को आज अपने जीवन में कैसे उतारना है यह सोचे, यह आपके हाथ में है। इसी के लिए धर्म है, इसी के लिए भक्ति, इसी के लिए ज्ञान, इसी के लिए साधु संगत। तो जो होश हवास में जीता है उसके लिए हर समय सतयुग ही सतयुग है। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर का डर, भीतर का भय खत्म हो चुका है, क्योंकि होश में जी रहा है। परमात्मा साहब कहते संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों जागते रहो, सब समय सावधान रह जाओ, होश हवास में रहो, छोटी छोटी क्रिया को होश पूर्वक करो, कभी भी गाफिल मत हो, लोभ में मत पड़ो, उत्तेजना में मत पड़ो, भय में मत पड़ो। जब जब हम लोभ में आ जाते हैं, खाने बैठे, खाने के बाद इतनी आती है कि रोज हमें खाना पड़ता है, एक बार नहीं दो बार तीन बार खाने बैठे, आपके मन के अनुकूल चीजें आ गई जो आपको बहुत पसंद है, खुश हो गए और ज्यादा खा लिए, मतलब आप सो गए। सोया हुआ आदमी ज्यादा खाएगा, जागा हुआ आदमी कभी ज्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि विवेक पूर्वक जा, क्योंकि होश में जीने वाला आदमी, जागा हुआ जा करके जीने वाला आदमी जीने के लिए खाता है, क्योंकि जीना मजबूरी, जीना के लिए खाना मजबूरी है। तो जागा हुआ आदमी जीने के लिए खाता है, सोया हुआ आदमी खाने के लिए जीता है। ये फर्क है, क्योंकि उसे पत्ती पसंद आ गई, बस खाते चले गए, खाते चले, आगे परिणाम क्या होगा पता नहीं। ये आत्मा परमात्मा की बात, ज्ञान विवेक विचार की बात सब जानते हैं। जिभ्या पर संयम नहीं है, कौन सा ज्ञान, कौन सा त्याग, कौन सा वैराग, कौन सी साधना, कौन से आत्मा परमात्मा, कितना खाना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहां जाग रहे हैं। जागने का अर्थ क्या होता है, भागना। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। ए रमैया राम, जो जागता है वो भाग जाता है। कहां भाग जाता है, घर से भाग जाता है कि गांव से भागता है कि देश से भागता है, कहां भाग, कि दुनिया से भागता है। भागने का अर्थ क्या है, घर में लड़ाई हो गई, खटपट हो गई, नाराज हो गए, भाग कर चले गए गुरु के आश्रम पर, अब घर में नहीं रहूंगा, अब साधु बन जाऊंगा, पिनक में आ गए, जोत में आ गए, गुरु के आश्रम में चले गए, और गुरु ने कहा बेटा ये काम करना है, तो वहां से भी भाग गए। घर में हुआ खटपट और चल बाबा के मठ पर, और मठ बताया काम, तो बंदे रमता राम, ये भागने काम नहीं चलेगा, जाओगे कहां भाग करके। साहब कहते जो जागल सो भागल, किससे भागना है, अपने दोषों से, अपने दुर्गुणों से, अपनी गलत आदतों से भागना है। ये मन में जो छलकपट है, मन में जो मोह माया है, राग रंग है, प्रपंच है, दुनियादारी, इससे भागना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, यही जग जामन जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जितने भी गलत कर्म हैं, वे सारे बात व्यवहार जो अपने लिए और दूसरों के लिए दुखदाई हैं, इनका त्याग कर देना ही भागना है। और भागने का मतलब नहीं है, भागने का मतलब अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं है, भागने का मतलब समाज विमुख होना नहीं है, भागने का मतलब है बुराइयों से भागना।
दोस्तों दुर्गुणों से भागना, मन के कुटे से भाग जाना, अंदर जो अहंकार है, अंदर जो सलकपट है, इनका त्याग कर देना, ये भागना है। और सब भाग गए, सलकपट का त्याग कर दिए, बस खत्म, सब दुख, दुख का कोई अवसर ही नहीं रह गया। क्यों हम दुखी होते हैं कभी विचारते हैं? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण बाहर कहीं नहीं, कहीं नहीं है। दुख का कारण है हमारा अविवेक, हमारा अहंकार, हमारा मिथ्या स्वार्थ। इनका त्याग करना ही भागना है। लेकिन आदमी किस किस का अहंकार कर लेता है और मिथ्या स्वार्थ में पड़ पड़ के कैसे कैसे घृणित काम कर बैठता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आदत बिगड़ी हुई है, न अहंकार का त्याग कर पाता है और न मिथ्या स्वार्थ का त्याग कर पाता है। सदगुरु कहते हैं संतों जागत नींद न कीजिए, ऐ संतों जागते रहो, सब समय जागरूक, सब समय जागरूक। जागने का मतलब क्या है? मैंने कहा सावधानी, और ये सावधानी ही साधना है। कबीर साहब की भाषा में सावधानी ही साधना है। सदगुरु कबीर ने सहज समाधि की बात कही है और सहज साधना की बात कही है। थोड़ी चर्चा 5-7 मिनट का अपनी बात समाप्त करूंगा। सहज समाधि बैठ करके की जाती है। सहज साधना, सहज साधना का मतलब है वह साधना जो हर समय हर जगह कोई भी व्यक्ति कर सकता हो, जिसके लिए समय का प्रतिबंध न हो, स्थान का प्रतिबंध न हो, व्यक्ति का प्रतिबंध, कहीं भी कोई भी कर सकते हो। रास्ता चल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, खाते समय, बोलते समय, रास्ता चलते समय, काम करते समय, कोई भी काम करते समय ये देखिए कि मेरा मन क्या सोच रहा है। गलत तो नहीं सोच रहा है, दूसरे की बुराई तो नहीं सोच रहा है। सावधानी पूर्वक मन को देखते रहना और मन में जो गलत आ जाए उनको हटाते रहना, हटाते रहना, हटाते, जो महिमलिनता आ जाए उनको हटाते रहना, ये सहज साधना है। हर समय, हर समय। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सहज साधना वह साधना है जो हर काम को साधना बना लिया जाए। खाना साधना है आपके लिए, भोजन करना साधना है आपके लिए, काम करना साधना है आपके लिए। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी साधना क्या है? संत ने कहा, जब भूख लगती है तो खा लेता हूं और जब नींद लगती है तो सो जाता हूं, ये मेरी साधना है। उस साधक ने कहा, महाराज ये कौन सी बड़ी बात, ये तो एक काम तो हम भी करते हैं, भूख लगती है हम भी खाते हैं, नींद लगती है हम भी सोते हैं, लेकिन क्या ऐसा है? क्या आप ऐसा करते हो? आप खाना खाने बैठते हो, क्या क्या आपका अभ्यास है? अंधेरी रात भी हो जाए, बिजली भी चली जाए ना, सामने थाली में भोजन आ जाए, हमारा हाथ थाली में जाएगा, रोटी उठाएगा, मुंह में ले जाएगा, नाक में नहीं ले जाएगा। अभ्यास है। लेकिन खाते समय क्या सोच रहे हो आप? खाते समय आपका मन केवल खाने में है या किसी से बात कर रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी को डांट रहे हो, या बाजार में सौदा बेच रहे हो, या ऑफिस में काम कर रहे हो? जरा सोचिए तो भला। 10 मिनट खाते हो उसमें 10 और काम भी कर लेते होगे। कभी कभी ऐसा अवसर आया होगा आप खाना खाने बैठे होंगे, 2-4 मिनट हो गए आपको खाते ही समय, आपकी पत्नी ने पूछा 2-4 मिनट पश्चात, कहो जी सब्जी कैसी बनी है,
सब्जी नमक कैसा है? आप कहते हैं नमक कैसा है, अच्छा रुको बताता हूँ। क्या कर रहे थे अब तक? खा रहे थे, बाजार में सौदा बेच रहे थे, मतलब आप वहां नहीं थे, आप जाग नहीं रहे थे, आप सोए सोए खा रहे थे। यदि जाकर खाते ना, पहले ही कौर में आपको पता चल जाता कि नमक ज्यादा है या कम है। 5 मिनट खा लिए फिर भी कहते हो अच्छा रुको अभी चक्कर बताता हूँ, मतलब आप जाग नहीं सो रहे थे, उस समय आप वहां नहीं थे, कहीं और जगह थे। एक समय में एक जगह होना, खाना खाओ उसी पर ही मन को केंद्रित कर लो, खाना आपका ध्यान बनेगा, खाना आपका साधना बनेगा, खाना आपका भजन बनेगा, खाना आपका पूजा बन जाएगा। ये सहज साधना है। काम कर रहे हो, देखो अपने मन को, काम तो कर रहे हैं, अभ्यास है, क्या सोच रहा है मन? उदास तो नहीं है, लोभ में प्रकट तो नहीं कर रहा है, कोई सोच तो नहीं सोच रहा है। हर समय अपने मन को वाच करते रहना, देखते रहना कहीं भी, ये सदगुरु कबीर की सहज साधना है। हर समय ये साधना चल सकती है। जब ये साधना चलेगी, हर समय हम अपने मन पर निगरानी करते रहेंगे, तब सहज समाधि बनेगी। संतों सहज समाधि भली, साहब के एक भजन है, सहज समाधि वह समाधि है जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई आरोपण नहीं है। सहज का अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक। कुछ भी पकड़ है मन में तो सहज नहीं है। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वरूप, हर व्यक्ति के भीतर जो बैठा हुआ चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, वो सहज है। वो चेतन न स्त्री है, न पुरुष है, न बूढ़ा है, न बालक है, न साधु है, न गृहस्थ है, न कुछ नहीं, वो तो सिर्फ चेतन है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और उसका अनुभव ये सहज समाधि में होगा। सहज समाधि, जिस समाधि में कोई पकड़ नहीं है, कोई आरोपण नहीं है। ये बात अलग है कि समाधि काल के शुरुआत में जब हम प्रारंभ करते हैं, ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो उस समय हमें एक पकड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा मन बहिर्मुख है, चंचल बना हुआ है, भटका हुआ है। उस भटके हुए मन को, दुनिया में घूमते हुए मन को, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए कुछ पकड़ की आवश्यकता होती है, एक फूटे की आवश्यकता होती है। चाहे आप सांस देखो, चाहे ज्योति देखो, चाहे बिंदु देखो, चाहे नाश सुनो, चाहे गुरु का, अपने इष्ट का ख्याल करो, ये शुरुआत में है, लेकिन ये ध्यान नहीं है, इसमें पकड़ है। अभ्यास करते करते जब सारी पकड़ छूट जाए और मन पूरी तरह से शांत हो जाए, मन पूरी तरह से मौन हो जाए, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, एब्सेंस ऑफ थॉट्स, सह समाधि का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ थॉट्स। जब कोई थॉट्स ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, तो कौन है? आप हैं। सारे विचार शांत हो गए तो विचार करने वाला तो नहीं शांत नहीं होगा ना, वो तो रहेगा ना, वो आपकी सत्ता, वो आपका स्वरूप। तो सहज समाधि का मतलब क्या है? मन का पूरी तरह से मौन शांत हो जाना। हजारों साल पहले महर्षि कपिल ने यही कहा था, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? उसको आप ध्यान कहो, समाधि कहो, बात एक ही है। कबीर साहब ने ध्यान और समाधि दोनों को एक अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने सहज समाधि की बात कही और सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, बीजक में यहां कहा कि सहज ध्यान रहो, वहां कहा सहज संतों सहज समाधि भली। तो कबीर साहब की भाषा में ध्यान और समाधि दोनों एक ही बात है। योग दर्शन की भाषा में ध्यान और समाधि अलग अलग है, लेकिन वो भी कहने का तरीका है। तो सहज समाधि वह समाधि जिसमें कोई पकड़ नहीं, केवल सत्ता मात्र, आत्मा, अपना आप रह जाना,
उसमें हो जाना, वो जागना हो जाएगा पूरी तरह से, उसी के लिए जागना है। वहां पहुंच गए कोई दुख नहीं, आप रोज सोते हैं, जब आपकी गाढ़ी नींद लग जाती है, पूरी गाढ़ी नींद लग गई, आपको पता रहता है कि मैं कहां सोया हूं, खाट पर या बिस्तर पर कौन कौन मेरे पास सोए हुए हैं, घर में कौन कौन है, कुछ देर के लिए आप सब कुछ भूल रहे हैं। जब तक जाग रहे हैं तब तक नींद नहीं लगी है, जब तक ख्याल है, जब तक सोच रहा है, मन कुछ विचार रहा है, तब तक नींद नहीं है। जब मन सोचना एकदम बंद कर दिया, आप नींद में चले गए। 4-6 घंटे की नींद कितनी सुखद होती है, कितनी प्यारी होती, कितनी शांतिदायी होती है। वो नींद ना मिले आपको तो बराबर जागते रहो, सप्ताह भर तक, 10 दिन तक जागते रहो, ये दुनिया का जो आनंद है, दुनिया के भोग है, वो सब भोगते रहो, नींद ना लो, पागल हो जाओगे। तो 4-6 घंटे के लिए हम सब कुछ भूल जाते, कितनी शांति रहती है, लेकिन वो अवस्था है। समाधि का अभ्यास जागते ही जागते, जागृत काल में किया जाता है। और उसका अर्थ वो कब होगा, जब हम जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को होश पूर्वक करेंगे, गाफिल होकर नहीं, सावधानी होकर करेंगे। इसलिए साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, ऐ संतों जागते रहो, पूरा जीवन होश में बिता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपने देखा होगा रेलवे यार्ड में प्राय लिखा हुआ, वहां दुर्घटना घटे या न घटे, हमारे अंतःकरण के यार्ड में तो बराबर दुर्घटना घट रही है। थोड़ी सावधानी हुई, मन कहां से कहां चला गया। अभी अच्छी बात सोच रहे थे, 1 सेकंड में मन पता नहीं कैसे कैसे नरक की बात सोचने लग गया। ये भीतर का जो नरक मिटे, यही जागना है। और नरक क्या है, कुचिंतन, हमेशा मन का विकारों में डूबे रहना, बाहर दुष्कर्मों में डूबे रहना, गलत कर्मों में डूबे रहना, और मन का कुचिंतन में डूबे रहना, ये सोना है। मन का आत्मचिंतन में, आत्मविवेक में जागृत रहना, लगे रहना, और बाहर जो करना होश पूर्वक करना, ये जागना है। और जो जाग गए तो पूरा का पूरा दुख खत्म हो गया। इसी जागने के लिए ही धर्म है, भक्ति है, पूजा है, इसी जागने के लिए स्वाध्याय है, साधु संगत है, सत्संग है। हमारी नींद किसी प्रकार से तो खुले, और जब नींद खुल जाएगी तो कोई दुख जीवन में रह नहीं जाएगा। बाबू गुरुजी ने, उनके परिवार वालों ने ये सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, क्यों, जगाने के लिए, स्वयं जागना है और दूसरों को जगाना है। बाबू गुरु और उनके परिवार वालों को हमारी ओर से, संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और उनसे ज्यादा शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप समय निकाल करके आए और संतों के विचारों से लाभ लिए। बाबू गुरु ने तो खर्चा कर दिया, आप लोग ना आते तब वो खर्चा का कोई मूल्य नहीं होता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वाध्याय, सत्संग, धर्म का काम करते हुए पूरा जीवन जाकर के व्यतीत करें, कहीं गाफिल ना हो, नींद में ना लें। जितना जागेंगे उतने जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे और जीवन को प्रसन्नता से जी सकेंगे। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।